तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं बोट के लेटेस्ट पोर्टेबल स्पीकर का। यह है बोट स्टोन 750। 2200 रुपए इसकी प्राइसिंग है। इसका परचेसिंग में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे जाके आप इसको परचेस कर सकते हो। तो अगर आप इस स्पीकर को परचेस करने की सोच रहे थे एंड आप इसके बारे में और जानना चाहते हो तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। तो बॉक्स में स्टोन 750 की ब्रांडिंग है, यहाँ पे कुछ फीचर्स इसके मेंशन किए गए हैं। टॉप में भी बोट की ब्रांडिंग है, यहाँ पे कुछ और फीचर्स मेंशन है जिसके ऊपर आगे हम बात करेंगे। कंट्री ऑफ ओरिजिन है चाइना, चाइना में इसकी असेंबलिंग की गई है। एमआरपी यहाँ पे मेंशन की गई है 5,990 रुपए। तो अब कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। रामपुरी मोड ऑन। तो सबसे टॉप में इसका डॉक्यूमेंटेशन, एक टाइप सी केबल स्पीकर को चार्ज करने के लिए ऑक्स केबल, यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल जैसा भी कुछ दिया हुआ है। देखते हैं आगे इसका यूज कहाँ पे होता है। तो क्वालिटी यहाँ पे स्टार्टिंग में ही दिख गई। बेस रेडिएटर की टॉप की जो कैप है उसकी पेस्टिंग निकल चुकी है। इससे साउंड में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा बट दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो कंपनियां क्या करती हैं कि चाइना से माल को उठाती हैं, बोट ने इसको उठाया होगा एंड सिर्फ अपने नाम का स्टिकर यहाँ पे चिपका दिया। उसी तरीके से अगर कोई और कंपनी भी इस मॉडल को लॉन्च करती है तो वो अपने नाम का लोगो यहाँ पे चिपका देगी और बन गया उनके नाम का स्पीकर। ऐसे ही चलता है भाई इंडियन मार्केट में, R&D के नाम पे कुछ भी नहीं होता है। तो सबसे पहले स्पीकर को ऑन करके हम पेयर कर लेते हैं अपने फोन से। तो यहाँ पे स्टोन 750 लिखा हुआ चुका है पेयर, तो स्पीकर पेयर हो चुका है। साथ ही आप स्पीकर का बैटरी लेवल भी अपने फोन पे चेकआउट कर पाओगे। तो स्पीकर आता है टोटली प्लास्टिक बिल्ड में, काफी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक इसमें यूज किया गया है। ओवरऑल बॉडी के ऊपर फैब्रिक का यूज किया गया है, इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है। फ्रंट पार्ट में बोट की ब्रांडिंग है, राइट एंड लेफ्ट पार्ट में इसके बेस रेडिएटर है। यहाँ पे RGB का सपोर्ट दिया गया है जो उसके लुक और भी एनहांस कर देती है। एक स्ट्रैप है इसमें इसको कैरी करने के लिए। टॉप पार्ट में इसके कंट्रोल्स हैं, सबसे पहले पावर बटन, वॉल्यूम डाउन एंड प्रीवियस ट्रैक को प्ले करने के लिए बटन, वॉल्यूम अप एंड नेक्स्ट के लिए बटन, प्ले बटन जिससे आप प्लेन पॉज कर सकते हो ट्रैक को, कॉल को रिसीव एंड रिजेक्ट कर सकते हो, एम यानी मोड बटन जिससे आप ब्लूटूथ TF एंड ऑक्स के भी स्विच कर सकते हो, लॉन्ग प्रेस करके आप RGB को भी ऑफ कर सकते हो। उससे पीछे के पार्ट में इसका IO कंपार्टमेंट, तो यहाँ पे TF पोर्ट तो microSD कार्ड से भी आप सॉन्ग्स को प्ले कर सकते हो, ऑक्स पोर्ट है यहाँ पे एंड टाइप सी पोर्ट उसको चार्ज करने के लिए, एंड ऑक्स पोर्ट के अंदर के पार्ट में इसका रिसेट बटन है जो साथ में टूल दिया गया है, इससे आप रिसेट भी कर सकते हो स्पीकर को। तो ये स्पीकर आता है 12 वॉट के RMS सपोर्ट के साथ, इसमें ड्यूअल स्पीकर दिए गए हैं इसके फ्रंट पार्ट में, ड्यूअल इसमें बेस रेडिएटर भी है इसके राइट एंड लेफ्ट पार्ट में। 2200 mAh की 3.7 वोल्ट की इसमें बैटरी दी गई है। 12 आवर का प्लेबैक टाइम कंपनी क्लेम करती है 60% वॉल्यूम पर, बट अगर आप इसको मैक्स वॉल्यूम प्ले करते हो लाइक 90, 100, 80 पे तकरीबन 5-6 घंटे तक आप इसको प्ले कर सकते हो। IPX5 रेटेड है तो हल्के फुल्के वाटर स्प्लैश इसमें कोई भी इशू नहीं आएगा एंड कनेक्टिविटी के लिए इसमें दिया गया है ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट। तो अब इसका साउंड टेस्ट हम कर लेते हैं एंड साउंड टेस्टिंग के लिए मैं यूज करने वाला हूं अपने प्रोफेशनल माइक्रोफोन का। तो यहां पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अपने हेडफोन्स का यूज करें एंड साउंड टेस्ट हम करने वाले हैं नॉन कॉपीराइट म्यूजिक पे, क्योंकि यूट्यूब में आ सकती है कॉपीराइट स्ट्राइक। तो अगर आप हिंदी या पंजाबी सॉन्ग्स में इसका साउंड टेस्ट देखना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। We'll be right back.
तो अब बात कर लेते हैं इसके साउंड आउटपुट की, कैसा स्पीकर साउंड परफॉर्म करता है। तो स्पीकर का मैंने तीन वॉल्यूम लेवल पे प्ले किया, 50, 80 एंड 100% पे बेस्ड है। सबसे पहले बेस की बात हम कर लेते हैं। तो बेस इसका डीप नहीं है, बट थम्पीनेस आपको बेस में ठीक ठाक फील होती है इसके साइज के हिसाब से। तो अगर आपको डीप बेस ज्यादा पसंद है तो मे बी आपको स्पीकर उतना पसंद ना है। हाई फ्रिक्वेंसी यानी ट्रेबल्स में डिसेंट परफॉर्म करता है, ट्रेबल्स में उतना शार्प नहीं है। एंड मिड्स यानी वोकल्स भी इसके डिसेंट है, बहुत क्लियर नहीं है बट बहुत बेकार भी नहीं है। मीडियम टाइप का वोकल्स में परफॉर्म करता है। डिस्टॉर्शन की अगर बात की जाए तो अगर आप इसको 80% से ऊपर प्ले करते हो, लाइक 90 से 100% पे, तो डिस्टॉर्शन इसमें आपको फील होता है। लाउडनेस की बात करी जाए तो 12 वॉट के हिसाब से इसकी लाउडनेस ठीक है, बहुत ज्यादा लाउड नहीं है। स्मॉल से मीडियम साइज के रूम में आप इसको यूज कर सकते हो, आउटडोर भी यूज कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन भी इसका उतना खास मुझे नहीं लगा। इसकी साउंड थोड़ी मफल्ड भी फील होती है, हाई वॉल्यूम में ज्यादा मफल्ड फील होती है, कम वॉल्यूम में कम मफल्ड फील होती है। तो मफल्ड का मतलब जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ, जैसे अगर आप अपने फेस पे कोई पिलो रखो एंड तब बोलने का ट्राई करो तो आवाज काफी दबी भी आती है। हालांकि उतनी ज्यादा मफल्ड नहीं है साउंड, स्टिल मफल्डनेस फील होती है। बोट के बहुत सारे स्पीकर्स में यही इशू है, क्लैरिटी में मिस आउट करता है बोट। तो इसमें इनबिल्ट माइक्रोफोन का सपोर्ट भी है, तो इसका माइक टेस्ट भी हम कर लेते हैं। तो अब जब साउंड सुन रहे हो आप इसके माइक्रोफोन के थ्रू सुन रहे हो, स्पीकर बिल्कुल मेरे सामने है, क्या क्या परफॉर्म कर रहा है। तो अब इससे कुछ प्रॉज एंड कॉन्स की बात भी हम कर लेते हैं। सबसे पहले प्रॉज है, इसमें TWS का सपोर्ट है, तो आप दो स्पीकर को एक साथ पेयर कर सकते हो सेम मॉडल के स्टीरियो साउंड के लिए। सेकंड, इसमें काफी सारे कनेक्टिंग ऑप्शंस दिए गए हैं, लाइक ऑक्स के साथ यहाँ पर TF का सपोर्ट भी है, तो माइक्रो HD से आप सॉन्ग्स को प्ले कर सकते हो। RGB का भी इसमें सपोर्ट है जो लुक को काफी एनहांस कर देती है, हालांकि RGB इसकी सिंक नहीं होती है म्यूजिक के साथ। कुछ कॉन्स की बात हम कर लेते हैं। सबसे पहला कॉन है, इसमें IPX5 की रेटिंग दी गई है। बोट के कुछ स्पीकर्स आते हैं, इवन 1000 रुपए का स्पीकर भी आता है बोट का, जिसमें IPX7 की रेटिंग कंपनी प्रोवाइड करती है। IPX7 होता तो और भी बेटर रहता, बट प्राइस पॉइंट को देखते हुए आपके लिए कौन नहीं भी हो सकता। सेकंड, इसमें कोई भी हाई क्वालिटी ऑडियो कोडेक का सपोर्ट नहीं है, लाइक AC कोडेक वही बेसिक SBC कोडेक का सपोर्ट मिलता है। थर्ड, इसकी माइक क्वालिटी मुझे थोड़ी सी पुअर लगी, थोड़ा सा और बेटर माइक्रोफोन इसमें होना चाहिए था। फोर्थ, इसकी साउंड मफल्ड फील होती है। तो अब लास्ट में बात करते हैं कि आपको स्पीकर को परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर 2200 रुपए के हिसाब से स्पीकर देखा जाए तो ओवर प्राइस मुझे लगा, क्योंकि 2200 रुपए से भी कम में आपको सेल में काफी अच्छे स्पीकर मिल जाते हैं, लाइक पोट्रॉनिक साउंड ड्रम पी हो गया, रियलमी ब्रिक, ट्रिबिट एक्स साउंड गो मिल जाता है 2200 रुपए में सेल के दौरान। वो स्पीकर साउंड में इससे तगड़ा परफॉर्म करते हैं। इवन ट्रीबिट तो IPX7 की रेटिंग के साथ भी आता है, एंड बैटरी बैकअप भी उसका काफी अच्छा है। रियलमी में आपको हाई क्वालिटी ऑडियो कॉर्टेक का सपोर्ट भी मिल जाता है, गेम मोड भी वहाँ पे है, ऐप का सपोर्ट भी मिल जाता है, मतलब भर भर के फीचर्स मिल जाते हैं वहाँ पे। तो 2200 रुपए में तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करता हूँ। हाँ, अगर इसकी प्राइसिंग कम हो जाती है, लाइक 1800 रुपए, 1500 रुपए, तब आप इसको प्रीफर कर सकते हो, या बोर्डस्टोन 350, 352 को परचेस कर सकते हो। वो स्पीकर ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है अगर आप उनको इससे कंपेयर करते हो। बाकी मैंने तो आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया, बाकी आपका पैसा है, आपको कैसे स्पेंड करना है वो आपको देखना है। तो यही था हमारा आज का वीडियो। अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन हो स्पीकर से रिगार्डिंग तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट करके। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। मेरा नाम है ऋतिक एंड मैं मिलता हूं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।